आज हम एक नई पोयम पढ़ेंगे जिसे डॉगलस मैलॉक ने लिखा है। इस पोयम का नाम गुड टिम्बर यानी कि अच्छी लकड़ी। अब लकड़ी तो वुड भी होता है, तो गुड टिम्बर ही क्यों लिखा गया है यहाँ। यहाँ टिम्बर से मुराद वो लकड़ी है जो फर्निश हो, तराशा हुआ हो, जिससे फर्नीचर और टेबल डेस्क वगैरह बनाया जा सकता हो। इस पोयम को भी राइमिंग कपलेट्स में लिखा गया है। इसमें आखिरी के अल्फाज हम आवाज़ होंगे, मिलते जुलते होंगे, यानी कि काफिया का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि इस पोयम में है, लाइट फाइट प्लेन रेन किंग थिंग इट सी इफ इन एनी पोयम द लाइन्स ऑफ लास्ट वर्ड इट साउंडिंग सेम देन द पोयम इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स। अगर साउंड एक जैसे नहीं हैं तो वो पोयम फिर ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इस पोयम को लिखने वाले का नाम डॉगलस मैलॉक है। ये एक अमरीकी शायर हैं, अमरीका में पैदा हुए थे। इनको हम लंबर मैंस पोएट भी कहते हैं। लंबर मैंस का मतलब होता है वुड कटर यानी लकड़हारा, लकड़ियाँ काटने वाला। बिकॉज ऑफ ये शायरी में लकड़हारों का, जंगलात का जिक्र किया करते थे, इसलिए इन्हें लंबर मैंस पोएट कहा जाता है। ये खुद कोई वुड कटर या लकड़हारा नहीं थे, क्योंकि ये शायरी में लकड़हारों का जिक्र किया करते थे। डेट्स वाई ही इज़ कॉल्ड लंबर्समैन पोएट्स। अब इस पोयम का सेंट्रल आइडिया, थीम या तो मैसेज क्या है वो जान लेते हैं। लाइफ ग्रोज वैन वी कम्स आउट ऑफ कम्फर्ट जोन। ज़िंदगी आपकी उस वक्त परवान चढ़ती है जब इंसान अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलता है। एक कम्फर्ट जोन है कि हम सोचते हैं कि हमारे बाप की जायदाद रखी है, बस इसी पर हमें मुफ्त की रोटी तोड़ते रहना है। तो इस इंसान को कम्फर्ट जोन के बाहर उसका कुछ सोचना नामुमकिन है, तो हमेशा ही ये फेलियर रहेगा। लेकिन जैसे ही ये इस कम्फर्ट जोन से बाहर निकलेगा, इसे कामयाबी मिलेगी। हाँ, इस जोन में बहुत हर्डल्स आएंगे, लेकिन इसकी ज़िंदगी उस वक्त ऊपर जा रही होगी। अब उसी बात को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल समझ लें कि आज संडे है, आपको दोस्तों के साथ खेलना है, पार्टी करनी है, गेट टुगेदर करना है, ये आपका कम्फर्ट जोन है। और अगर इसी दिन आपको कोचिंग से मैसेज आ जाए कि आज एक्स्ट्रा क्लासेस रखा गया है, आज से एक्स्ट्रा क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, आपको आज आना है, और आप उस क्लास को अटेंड करने के लिए चले जाते हो, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो, तो आप ग्रो करोगे। तो हमेशा चूज़ उसे करें जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। ये ना देखें कि वो मुश्किल है, कोशिश ज़रूर करें। कोशिश कामयाबी की तरफ पहला कदम है। आपको कभी कम्फर्ट जोन में सक्सेस नहीं मिलेगा, जबकि कम्फर्ट जोन से आप जैसे ही बाहर आएंगे आपको सक्सेस मिलेगी। आप दिन के 12-12 बजे तक सो रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि आप कामयाब हो जाओगे, तो मेरा इस शख्स के लिए यही कहना है कि कुत्ता पाले बिल्ली पाले, लेकिन गलत फहमी ना पाले। अल्लामा इकबाल अपने सुनहरी लफ्ज़ों में कहते हैं कि तन दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तंदिए यानी के जोर, बाद हवा को कहते हैं। तो एक ऐसी हवा जो अपोजिट डायरेक्शन से चल रही हो, तो जो हवा का जोर अपोजिट से आता है, इकबाल कह रहे हैं कि उससे ना घबरा, क्योंकि इस ही की वजह से वो आगे बढ़ता है, ऊंचा उड़ता है। तो जब तक आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ हर्डल्स नहीं आते हैं, तब तक आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। तो आज हम एक ऐसी ही पोयम, ऐसी ही मोटिवेशनल पोयम को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम इस पोयम को शुरू करें, हम एक स्टोरी सुनेंगे कि एक बूढ़ा शख्स जो कि रिटायर्ड अफसर था और एक जवान शख्स था जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, दोनों ने मिलकर एक शर्त लगाया। दोनों ही नेबर्स थे और दोनों ही इस बात पर कम्पीट कर रहे थे कि हम बाग बनाते हैं जिसके बाग में 4 महीने के बाद सबसे ज़्यादा खूबसूरती होगी, जो बाग सबसे ज़्यादा खिलखिलाती दिखेगी वो जीत जाएगा। तो इन्होंने शुरू किया, तो जो बूढ़ा शख्स था वो पौधों को सही से तवज्जा नहीं देता था, बस सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता था। तो यही जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जदीद दौर का बंदा था, तो उसने पौधे वगैरह लगाया और एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया पौधे को पानी की सप्लाई करने का। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा था कि इस पौधे में हर 10-10 मिनट बाद खुद ब खुद पानी डल जाता था, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलता था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फले फूले, और वक्त गुजरता रहा। चंद ही हफ्तों में
जो इंजीनियर था उसने एक खिलखिलाता हुआ खूबसूरत सा बाग तैयार कर दिया, लेकिन जो अफसर था उसके पास कुछ ही पौधे थे। वो पानी कम दिया करता था, तो जिस दिन 4 माह पूरे होने वाले थे उससे एक रात पहले तेज आंधी चली, एक तूफान आया, रात भर तूफान आया। सुबह जब उठे और चेक करने आए वो दोनों कि किसका बाग प्यारा है, तो जो इंजीनियर था उसके सारे पौधे उखड़ चुके थे, सब के सब बिखरे हुए थे, एक भी पौधा जमीन पर नहीं टिका हुआ था। जबकि जो बूढ़ा अफसर था उसके गिनती के चंद पौधे थे, लेकिन सब के सब अपनी जगह डटे हुए खड़े हुए थे। तो इस तरह से अफसर जीत गया। तो इंजीनियर कहता है कि आप कैसे जीत गए, जबकि मैं तो 10-10 मिनट में इसको पानी दिया करता था और आप तो नहीं देते, तो आपका पौधा कैसे उखड़ा नहीं और मेरा पौधा कैसे बिखर गया। बूढ़ा अफसर कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं इसको कम पानी देता था ताकि इसके जड़ दूर दूर तक पानी की तलाश में निकले और रूट्स आगे बढ़ें, तो ऐसे होने पर पौधे की जड़ मजबूत होते हैं। मगर वो क्या करता था, हर 10 मिनट में पानी दे दिया करता था, तो इसके जड़ आगे बढ़ते ही नहीं थे और वो मजबूत नहीं हो पाता था। लेकिन वो पौधा जिसे कम यानी इनसफिशिएंट चीज़ें मिल रही थी वो मजबूत हो रहा था, और दूसरा पौधा जिसे हर कुछ तसले में सजा कर मिल रहा था वो मजबूत नहीं हो रहा था। तो इंसान के साथ भी समथिंग कुछ ऐसा ही अप्लाई होता है। अगर हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो कामयाबी मिले ना मिले आलसी ज़रूर बन जाते हैं, वहीं जब चीज़ों को मुश्किलात को फेस करना शुरू करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, उन्हें ही कामयाबी मिलती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए।